मैं भारत सरकार से हर आदमी से बोलना चाहता हूँ कि मैंने गोली खाई है देश के लिए, और देश के लिए पहली कामयाबी दिलाई थी, महावीर चक्र मिला मुझे। उसके बाद मेरा जैसा सैनिक दुखी है तो मैं विश्वास नहीं कर सकता हिंदुस्तान आर्मी पे और ये इसका रिकॉर्ड्स पे, अगर वो मतलब पूरे सैनिकों को मतलब सही पेंशन दे सकती है कि नहीं। हम फौजी क्या करें, किसके पास रोए हम। सबसे पहले तो हमने 3 सितंबर 1985 को भारतीय सेना ज्वाइन की थी और मैं राजपूताना राइफल रेजिमेंट सेंटर दिल्ली में मैंने ट्रेनिंग करी थी। जो तोलोलिंग पहाड़ी थी, जो इंडियन आर्मी की फर्स्ट कामयाबी, वो हमारी बटालियन को नसीब हुई थी। उससे पहले 3 बटालियन वहाँ पर तोलोलिंग पर अटैक मार चुकी थी लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। कारगिल पहुँचने के बाद में हमारे जितने कमांडर थे सबको बुलाया गया, जनरल मलिक साहब ने हमारा सैनिक सम्मेलन लिया और लेने बाद में ये बोला कि बोला ऐसा कमांडर कौन है जो वॉलंटियर तोलोलिंग के ऊपर अटैक मारने की प्लान दे मुझे। तो मैं खड़ा होकर बोला मो सर जय हिंद, बेस्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी उर्फ कोबरा। बोले हाँ बेटा, 13 मई को तने कपवाड़ा में 4 उग्रवादी मारे, वही कमांडो है। बोले यस सर। बोले शाबाश बेटा। जैसे ही मैं दुश्मन के बैंक करके नज़दीक पहुँचा और दुश्मन फायर कर नहीं रहा था, उसकी बर्ल मेरे हाथ में आ गई थी। मैंने उस बर्ल को अपनी तरफ पकड़ के खींचा, उसने फायर कर दिया, पहली गोली यहाँ लगी और 3 गोली मेरी सीने में लगी। अब इस जगह पर लगी है ये 3 गोली मेरे सीने में, यहाँ गोली लगी है 3। उसके बाद मेरे हॉस्पिटल में अंदर ले गया, उसके बाद मेरे इलाज चला और मैं कोमा में चला गया। मुझे जिंदा शहीद भी बोलती है भारत सरकार। उसके बाद मेरा काफ़ी इलाज चला, वहाँ हॉस्पिटल से श्रीनगर से दिल्ली ले आया, दिल्ली से मैं मतलब कोमा से बाहर आया और कोमा बाहर मेरे पुणे में इलाज चला मेरा 6-7 महीने। जैसे नाम सुना महावीर चक्र तो बहुत ही खुशी हुई थी, बहुत ही खुशी हुई। और खुशी ये हुई कि ये हमने जो काम किया उसका फल भारत सरकार ने हमारे को दिया। दो हजार चार के अंदर मेरे तकलीफ हो गई थी। तकलीफ होने के बाद में मैं डॉक्टरों के पास गया तो डॉक्टरों ने मुझे अनफिट कर दिया और मुझे घर भेज दिया गया। 1 महीने घर रिया। 1 महीने बाद में मेरे पास फोन आया मिलिट्री हॉस्पिटल से कि आपको किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं। तो मैं आ गया, आते हुए बोला कि आपकी पेंशन तो मंजूर नहीं हुई। तो मुझको मेरे को तो आपने पार्टी करके घर भेज दिया अनफिट करके, अब आप वापिस बुला रहे हो। बोले वो हमारे को नहीं पता, आप अपनी यूनिट में जाओ। तो उसके बाद मुझे ऐसा फीलिंग महसूस हुआ कि बेइज्जती हुई कि यार मैं पेंशन जाने के बाद वापस आ गया। तो एक सैनिक को बेइज्जती महसूस होती उस टाइम में। 2010 तक मुझे कोई पेंशन नहीं दी। 2010 में मैंने कोर्ट केस कराया। केस करने के बाद उन्होंने बोला इसको सारी फैसिलिटी दी जाए। तो फिर मेरे को वो पेंशन दी गई। फिर उनमें 2010 के बाद में बोले आपको ज़्यादा पेंशन दे दी नहीं। फिर उसके बाद में 13,000 रुपये भी काटना शुरू हो गई। मेरे साथ के फौजी मेरे साथ नौकरी करी उतनी नौकरी और उनको मिल रही है ज्यादा और मुझे मिल रही है कम। ये कौन सा कानून है? एक्शन क्या ले रहे हैं? हमारा जो कोर्ट है आर्मी कोर्ट है जयपुर का, उसके अंदर जज नहीं है 2 साल से। कोई जज आता है 1 घंटे और बाय और चला जाता है। हम क्या करें फौजी, हम फौजी क्या करें, किसके पास रोए हम। एक ऐसा सैनिक भी है नागौर का जो 71 की लड़ाई मुझे सेना मेडल मिला था और उसको आज तक 1 रुपया पेंशन नहीं मिला। उसका केस मैंने उठाया है। ऐसे बहुत हैं। मैं देश के हर नागरिक से पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे को एक बताओ कि जो 1962 में विधवा उसका पति शहीद हुआ है और उसको शहीद का दर्जा दिया है ग्रेनेडियर ग्रुप ने और उसको आज तक 5 रुपया भी नहीं दिया। ये बात तो पर्सनल है मेरी, जो अभी तक बात है ये पर्सनल है। बात रही भारत माता की, तो ना तो उस दिन भारत माता में भर्ती हुआ था 300 रुपये, उस दिन ना तो तनख्वाह के लिए भर्ती हुआ था।
अगर मुझे नहीं दी जाती तो भी मैं ड्यूटी करता। देश के अंदर अगर आज युद्ध की घोषणा होती है तो मैं मेरी बटालियन में जाऊंगा, चाहे मुझे मेरी बटालियन बुलाओ, भारत सरकार बुलाओ या ना बुलाओ, युद्ध छिड़ गया तो लड़ाई में जरूर जाऊंगा मैं। और देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि देश पहले तनख्वाह बाद में, कोई भी अलाउंस है वो देश से बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा देश है। और हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं।